बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी पारी का खेल शुरू होने जा रहा है और हम आपकी खिदमत में अब हाजिर हो गए। पहले बैटिंग करने का जो मौका मिला यहाँ कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा को, उन्होंने 255 रन बनाए और 256 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम उतरी है समीर और जीशान। समीर डीके वो अब मैदान की ओर आ रहे हैं स्ट्राइक लेने की तैयारी में। जीशान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे फील्ड का अगर जायजा लिया जाए, मिड ऑफ है, कवर तो दायरे के अंदर इश्तियाक रॉबी के रूप में पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है, जबकि गली क्षेत्र के आसपास एक खिलाड़ी है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी, स्लिप कॉर्डन में राजा तनवीर शतकवीर खिलाड़ी। यह ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड में देखा जाए मिड ऑन है, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर और फाइन लेग बिल्कुल 30 गज के सिरे पे फील्ड कर रहे हैं। वहां आमिर हसन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप्स, बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में, मिडल और लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टप्पा खाया, गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है आमिर लेफ्टी जो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तेज धावक हैं और ऐसे में उनकी जो गेंदबाजी है उसमें अच्छा खासा उछाल तो हमेशा देखने को मिलेगा आपको, जबकि उछाल के साथ साथ स्विंग भी हो रही है उनकी गेंद, और देखना होगा वो क्या कर पाएंगे। आमिर हसन और की अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है समीर, इस बार समीर खेलना चाहते थे, स्विमिंग होती हुई गेंद बल्ला हवा में लहराया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार दो डॉट गेंदें हुई हैं इस ओवर में और आमिर हसन गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमिर इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे, उसका सामना कर रहे वहां पर बल्लेबाज समीर डीके। चले इस ओवर में तीसरी मरतबा भाई हाथ की तेज गेंदबाज, इस बार फिर से बल्ला चलाया उस ओर खिलाड़ी तैनात और पहला झटका लगा यहां पर समीर डीके, मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। आमिर ने सफलता दिलाई, इस बार लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी, बल्ला चलाया और फाइन लेग शॉट, डीप फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात थे और उन्होंने कोई गलती नहीं दोहराई। पहला झटका लगा यहां पर जॉन 11 मागाम की टीम को, और जॉन 11 मागाम का स्कोर अगर देखा जाए खाता नहीं खुला, एक झटका लगा समीर के रूप में। समीर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, आलिशा खान, शोएब डार, उवेस अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। खाता नहीं खुला, एक झटका लगा, तीन गेंदें हुई हैं इस ओवर की। जीशान उनका खाता खुलना बाकी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है, मैदान छोड़कर वापस गए हैं यहाँ बल्लेबाज समीर डीके। नए आए बल्लेबाज डगआउट से जो नमूदार हुए आबिद लेफ्टी, वो अब मैदान की ओर आ रहे हैं, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे। 256 रन चाहिए जीतने के लिए इस बड़े मुकाबले को। आमिर लेफ्टी ने आते ही ये एक बड़ी विकेट हासिल की और आमिर लेफ्टी दूर उस ओर हिल एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द स्टंप्स बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नासिर सुल्तान भी बने हुए हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर जेके स्पोर्ट्स टाइम पर वो बने हुए हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं होकर सर नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के, वो जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर मैच का आनंद ले रहे हैं। आमिर हसन की गेंद शॉर्ट गेंद पर अटक कर ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट क्षेत्र बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन। ऑफ स्टंप से बाहर ये शॉर्ट गेंद थी और पलटकर ऑन साइड में स्ट्रोक लिया मिड विकेट क्षेत्र बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। नासिर सुल्तान बने हुए हैं होकर सर क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, होकर सर क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम लेते ही होकर सर की याद ताजा हो गई है और होकर सर में सफाई अभियान चलाया जाएगा और उस सफाई अभियान की शुरुआत 7 मई से होगी और 15 मई तक वो रवान दवा रहेगा और ऐसे में 15 दिन का वो प्रोग्राम है जिसमें होकर सर को साफ किया जाएगा। एक वाटर बॉडी है होकर सर और उसे बचाने की अशुद्ध जरूरत है। सही कहा आपने, तो इस तरह से आमिर ने जो सफलता दिलाई और एक अच्छी गेंदबाजी की, और देखिए हमेशा तो शुरुआती ओवर्स में यही तलब रहती है गेंदबाजी गेंदबाजों की, और एक अच्छी शुरुआत मिले, विकेट मिले टीम को। फिलहाल आमिर इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार फिर से देखिए मिडल लेग स्टंप पर यह गेंद थी और पलट कर ऑफ साइड की ओर है गेंद, एक बढ़िया स्विंग देखने को मिल रही है यहाँ आमिर की गेंदबाजी में। ऐसे में तो आसान नहीं रहेगा बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करना, खासकर गेंदबाज आमिर के सामने। मागाम कॉलेज ग्राउंड मागाम बड़गाम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। बिलाल बट भी मैच का आनंद ले रहे हैं और यहाँ जो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर बिलाल बट, जबकि उसके साथ साथ सजाद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पापोर,
नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ सहायता कर रहे हैं। जॉन 11 मागाम का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, टीम दबी हुई नजर आ रही है। पहला ओवर समाप्त हुआ जो दरकार औसत है 13.26 की, और आप अंदाजा लगा सकते हो किस कदर टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। आपने सीखा, क्योंकि बड़ा लक्ष्य मिला है, पार्ट जैसा लक्ष्य मिला है, चेज करने के लिए आसान नहीं रहेगा टीम के लिए। 255 रनों का जो लक्ष्य मिला है और काफी सारे मुश्किलों का सामना करना होगा यहाँ जॉन 11 मागाम की टीम को। पर यह जो जोड़ी मैदान के अंदर है, इन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी टीम को, एक अच्छी सेट बैटिंग की टीम के यहाँ मैदान के अंदर, क्रीज के अंदर, और एक अच्छी शुरुआत दी, एक अच्छी पार्टनरशिप अगर इन्होंने खड़ा की है अपनी टीम के लिए, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले बल्लेबाजों के लिए फिर बल्लेबाजी करना आसान रहेगा। पर तारीफ तो बनती यहां और गेंदबाज आमिर की, जिस तरह उन्होंने सफलता दिलाई। अबरार को अब तलब किया गेंदबाजी करने के लिए। अबरार इस ओवर में अब पहली मर्तबा दूर उस छोर से नई गेंद के साथ दूसरे छोर से गेंदबाजी करने की तैयारी में, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार फिर से यॉर्कर कराने का प्रयास किया था, सफलता भी मिली। पर इस बार बल्लेबाज ने आदिल ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और इस गेंद को खाली बल्ले से लगने दिया, शॉट मिड विकेट की ओर। और यहां अगर देखा जाए मिड ऑन पर खिलाड़ी दायरे के अंदर तैनात थे, उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया, किसी रन के लिए नहीं। टीम का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 1.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल। और अब जाकर अबरार ईश्वर में अगली मरतबा गेंद करेंगे। देखिए यहाँ दो स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अबरार विकेट कीपर के अलावा, दो स्लिप पॉइंट पर, एक कवर पर, एक अबरार ईश्वर में अगली मरतबा बायात के बल्लेबाज के लिए। इस बार लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी और खाली बल्ला चलाया और गेंद काफी देर तक हवा में बुलंद थी, पर नो मैन लैंड में उस और कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था और किसी रन के लिए नहीं, और स्कोर बोर्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं, और टीम का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जेक नाइट जेआर मैच का आनंद रहे पहलगाम से, ऐसे में फिलहाल आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमेंटेटर मंसूर अजीज। अबरार इस ओवर में अब अगली मरतबा तेज कदमों के साथ चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार बल्ला चलाया, वहां पर बल्लेबाज आदिल लेफ्टी ने, और ज्यादा दूर नहीं, फील्डर से दूर नहीं, कवर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और किसी रन के लिए नहीं। पारी का यह दूसरा ओवर, 3 गेंदें लगातार डॉट अभी तक गेंदबाज अबरार ने की, जो नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे। देखिए ऑफसाइड में इस तरह की फील्डिंग सजाई है टीम के कप्तान ने, लगता है कि परिंदा पार भी नहीं मार सकता है, पर परिंदे को जब पार मारना होता है तो इसे किसी दीवार की फिर दरकार नहीं रहती है। लोन बिलाल भी मैच का आनंद रहे। फिलहाल गेंदबाज अबरार ईश्वर में अगली मतलब इस बार ये लीजिए, क्या गजब की गेंद देखने को मिली, और मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद पीछे भी कटकर अंदर की ओर आई, बल्लेबाज के चारों खाने चित हुए और कलील मोड हुए वहां पर बल्लेबाज आदिल लेफ्टी, और इस तरह से दूसरा झटका लगा जॉन 11 मागाम की टीम को, और मैदान छोड़कर वापस जा रहे बल्लेबाज आदिल लेफ्टी इस बार बेबस नजर आए इस गेंद के सामने। जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार पीछे हुई, कटकर इतनी स्विंग हुई और इतनी अंदर आई, बल्ला तो जरूर बढ़ाया था आगे, पर गेंद और बल्ले में मुलाकात ही नहीं हुआ, और तो इस तरह से यहां अब दूसरा झटका लगा 4 रन के स्कोर पे जॉन 11 मागाम की टीम को, जिन्हें आज एक बड़ा लक्ष्य मिला है, 255 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। और बशीर अहमद जासिम अब, और देखिए जासिम भाई और आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं गुल हुसैन के साथ साथ, और देखिए इस बार क्या गजब की गेंद देखने को मिली अबरार की जानिब से, और ऐसे में 4 गेंदें लगातार, 3 गेंदें डॉट की, चौथी गेंद पर जिस तरह उन्होंने वहां एक बेदर्दी से बोल्ड किया बल्लेबाज को, और ऐसे में तो आदिल लेफ्टी अब मुझे लग रहा है कि मैदान छोड़कर जैसे वापस गए और काफी सोच विचार तो किया होगा उन्होंने इस गेंद पर कि यह गेंद कहां पड़ी, कहां और कौन सा दिशा पकड़ा इस गेंद ने। और डग आउट से अब नए बल्लेबाज मंजूर नमूदार वे बल्लेबाजी करने के लिए, जीशान अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखिए अगर आप कहते हैं स्कोर कार्ड, रशीद कहते हैं कि प्लीज स्कोर कार्ड स्क्रीन पर, आप डिस्प्ले पर स्क्रीन बोर्ड को आप देख सकते हैं, क्योंकि टीम का स्कोर 4 रन हुआ है 2 विकेट के नुकसान पे, 1.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है अभी तक। और ऐसे में अब दबाव रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर, और एक अच्छी शुरुआत अभी तक कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की अगर बात करेंगे, बल्लेबाजी में भी उन्होंने एक अच्छा कार्य किया आज मैदान के अंदर, एक बड़ा लक्ष्य आज खड़ा स्कोर किया है और टीम के लिए। देखिए तारीफ बनती है उन खिलाड़ियों के लिए, जिस तरह उन्होंने आज कदम से कदम मिलाकर साथ दिया अपने टीम का, क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहां से तो जीत कर जाएंगे और सीधे सेमीफाइनल की टिकट मिलेगी यहां टीम को, जो कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम है। पर यहां तारीफ बनती है अबरार इस ओवर में, 5वीं मरतबा गेंद करेंगे मंजूर के लिए, जो डग आउट से नए बल्लेबाज नमूदार है। इस बार पैड लाइन पर यह गेंद थी, कलाई उनका बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिला, शॉट
आठ मिड विकेट से खिलाड़ी पीछा कर रहे, गेंद का पर दौड़ना बेकार और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रनों के लिए। इस बार बैक ऑफ द हैंड स्लो रन गेंद की गेंदबाज अबरार ने। और देखिए मंजूर जो ढागाउट से नमूदार हुए बल्लेबाजी करने के लिए, आते आते उन्होंने एक अच्छा स्ट्रोक लिया, खाली कलायुं को उन्होंने मोड़ा और ये देखते हुए कि पीछे इलाका खाली पड़ा है उसका लाभ भी मिला बल्लेबाज को। और यहाँ दायरे के अंदर, दायरे के बाहर जो खिलाड़ी जो फील्डिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि और एक थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी तैनात है और उसके अलावा तो दायरे के अंदर सारे खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। इस बार फिर से गुड लेंथ स्पॉट पर यह गेंद ने टप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और इस गेंद को खाली बल्ले से लगने दिया और ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए, हड़बड़ा से अंदाज में स्ट्रोक लिया बल्लेबाज मंजूर ने और गेंद गली की जानिब गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात किसी रन के लिए नहीं। टीम का स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे और 2 अशर। देखिए यहां 2 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है और ताहा कश्मीर इरशाद अहमद के साथ साथ ताहा भी मैच का आनंद रहे। देखिए हाथ में और रशीद भाई मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। बाकी सारे क्रिकेट चाहने वालों को भी क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा जहां प्रेशर में लग रही है अब और जॉन अलेवन मागाम की टीम, जिन्होंने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुझे लग रहा है कि अब जो उन्होंने फैसला लिया है वो गलत साबित हुआ टीम के लिए और जिस तरह उन्होंने टॉस जीता था उसके बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले जब कपोड़ा की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर आई और पहला विकेट उन्होंने सस्ते में गंवाया पर उसके बाद मुझे और उसके बाद जो विकेट पे रन नजर आए हैं और मुझे लग रहा है उस रन के हिसाब से जहां जॉन अलेवन मागाम के कप्तान ने फिर सोच विचार किया होगा इस डिसीजन, इसी फैसले पर। और फिलहाल आप जाकर यहां मंजूर फिर से सामना करने की तैयारी में और गेंदबाज की अगर बात करेंगे तो अब नए गेंदबाज जिन्होंने सफलता दिलाई, शुरुआती गेंदबाज को फिर से तलब किया गया। पारी का तीसरा ओवर, कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और गेंदबाज आमिर लेफ्टी इस ओवर में अब पहली मर्तबा लंबे कदमों का रन ऑफ है। बड़े देखिए अगर देखा जाए तो और दूर उस छोर हिल एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए जीशान ने अब फील्डिंग का जायजा लिया, सारे लाया जमीन को थपथपा रहे हैं, एंथम का बैट हवा में झूलते हुए नजर आ रहा है। इस बार जीशान का बल्ला चलाया और मोटा किनारा लिया गेंद ने और गेंद सीधे चेहरानों के ले गई है। इस बार अंधाधुन बल्ला घुमाया, गेंद पर टूट पड़े पर गेंद पड़ने के बाद बार की ओर आ रही थी और गेंद ने बल्ले का मोटा जो किनारा लिया और सही रास्ता पकड़ा गेंद ने। थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात था, उसके सर के ऊपर से एक छक्का देखने को मिला तो इस छक्के के साथ अब जाकर टीम का स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए यहां दरकार है और बशीर अहमद मैच का आनंद रहे मलिक मेराज के साथ साथ और इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया बशीर अहमद, यकीनन एक अच्छा अच्छा छक्का लगा इस छक्के के साथ। मुझे लग रहा कि जो छक्का लगा जीशान के बल्ले से इस छक्के से जीशान का हौसला तो सातवें आसमान पर रहेगा और अगर यहां से ये जो बल्लेबाजी और जीशान और मंजूर की जोड़ी मैदान के अंदर है, जॉन अलेवन मागाम की बशीर अहमद और रीमू के साथ मैच का आनंद रहे। बट अब्बास आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। आरजे बद्रनी भी मैच का आनंद रहे और कहते हैं थैंक यू मंजूर भाई इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और यहां मुझे लग रहा है कि यहां जो रणनीति बना रही है जो कोचिंग सेंटर कपोड़ा की टीम है, दायरा बनाया है और दायरे में वो एक रणनीति बना रहे हैं कि हमें यहां से किस तरह आप गेंदबाजी करनी होगी। और मीर सजाद के साथ साथ एमटीएम सॉल्यूशन मैच का आनंद रहे जो इसके इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर भी, 4 चांद लग गए इस मागाम के इस टूर्नामेंट को और जो उरूज इस टूर्नामेंट ने हासिल किया है मुझे नहीं लग रहा कि और अगले जन्म में या किसी और जन्म में मुझे देखने को मिलेगा ये उरूज जो उरूज उस मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट को मिला है। और आमिर फिलहाल इस ओवर में अगली मर्तबा जीशान के लिए और ओवर द स्टंप दायात के तेज गेंदबाज बार फिर से बल्ला चलाया, उस ओर खिलाड़ी तैनात और उन्होंने कैच करने का प्रयास किया था पर उनकी पहुंच से गेंद दूर और गेंद सीधे 6 रनों के लिए गई है। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थे, पलट कर ऑन साइड की ओर स्ट्रोक लिया बल्लेबाज जीशान ने और डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात था, उसके सर के ऊपर से गेंद मैक्सिमम के लिए गई है और इस छक्के की मदद से अब जाकर टीम का स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 2 अशारे और 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। आमिर इस ओवर में अगली मरतबा एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करे, उसका सामना करे जीशान, इस बार कदमों का इस्तेमाल, ओहो क्या करारा स्ट्रोक देखने को मिला और गेंद सीधे 6 रनों के लिए गई है।
इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया बल्लेबाज जीशान ने, गेंद की पिच तक पहुंचे और ताकत बढ़िया लगी। देखिए ये सबसे बड़ी चीज होती है, बल्लेबाज के पास टाइमिंग और ताकत लगाया स्ट्रोक के पीछे, टाइमिंग लाजवाब थी, खूबसूरत स्ट्रोक, उम्दा स्ट्रोक लिया, दर्शनीय स्ट्रोक, और एक मुझे लग रहा है कि इस पारी का सबसे बड़ा छक्का लगाया यहां पर बल्लेबाज जीशान ने। तारीफ बनती है, दबाव जो हल्का सा दबाव था यहाँ जॉन अनेवल मागाम की टीम को दरकार है इस तरह की बल्लेबाजी की। अगर इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो जो दबाव है उनके टीम के ऊपर वो कम फिर कहीं ना कहीं वो कम होते हुए और देखने को मिलेगा। और वही दर्शा रहे बल्लेबाज जीशान और मंजूर का स्कोर, निजी स्कोर 4 रन, जीशान का 6 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए। बशीर अहमद और शाहिद अहमद मैं इस प्यार के लिए इश्फाक भाई भी मैच का आनंद रहे इस प्यार के लिए, भाई आपका शुक्रिया। और ऐसे में एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला, दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला, खिलाड़ी तो उस ओर तैनात थे, वो खाली बेबस नजर आए, उन्होंने खाली तमाशा देखा, निगाहें लगाए कि गेंद कितनी दूरी हासिल करेगी, और इश्फाक अहमद मैच का आनंद ले रहे हैं। यहाँ जैसे ही छक्का लगा और आमिर के इस ओवर में लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगे, अभी तक बैक टू बैक 3 मैक्सिमम देखने को मिले, ऐसे में और 3 गेंदें आने वाकई है। क्या यहाँ युवराज सिंह की याद आत्मा अपने अंदर लेंगे बल्लेबाज जीशान, और ये सबसे बड़ा सवाल होगा इस अहम मुकाबले में, क्योंकि 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने आसान नहीं रहते बल्लेबाज के लिए। पर जिस लाइव और जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे जीशान, एक प्रमुख हथियार है टीम के, और 3 बैक टू बैक छक्के लगे इस ओवर में आमिर के इस ओवर में। और मेरे साथ जो मेरे साथी कमेंटेटर है नासिर भाई, वो आगे का आंखों देखा हाल जारी रखेंगे। 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और जीशान का स्कोर 22, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और मंजूर की बात करेंगे, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है, 4 रन बनाकर जीशान सामना करने के लिए तैयार। आमिर हसन गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला ओवर काफी अच्छा गया था पर इस ओवर में थोड़े खर्चीले साबित हुए हैं आमिर हसन, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है और सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं जीशान। 26 2 विकेटों के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। आमिर हसन ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। हाफिज उमर मैच का आनंद ले रहे हैं शेख इश्फाक के साथ, जबकि मिर्गु अयूबी मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार खेलना चाहते थे, गुड लेंथ सपोर्ट पर गेंद ने टिप्पा खाया, सेम मोमेंट नजर आया, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। 26 2 विकेटों के नुकसान पर और एक बेहतरीन विकेट जो हासिल की थी अबरार पीर ने, और उन्होंने एक इन स्विंगिंग पर यहाँ चलता किया आदिल लेफ्टी को, वो देखने लायक गेंद थी। इस बार बढ़िया गेंद, पैड लाइन पर गेंद को डिफ्लेक्ट किया, दिशा से बट के बल्लेबाज भटकने वाले नहीं है और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके की सहायता से जीशान के बल्ले से लगने वाला ये एक और बड़ा स्ट्रोक इस चौके की सहायता से उनका निजी स्कोर 26 हो गया है। 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जीशान, और छोटे भाई हैं ये हैदर अली के, कश्मीर नेट्स के जो खिलाड़ी हैं हैदर अली, उनके भाई हैं जीशान। और ऐसे में जो हैदर अली के पास कला है, क्या वो कला बल्लेबाजी में आज नजर आएगी जीशान की बल्लेबाजी में या नहीं। लेग स्टंप से बाहर पिच होती हुई गेंद अंदर की ओर तो जरूर आई, हल्का सा सवाल LBW का, और इस तरह से इस डॉट गेंद की सहायता से ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बट महराज, इफ्राज वानी, उवैस अहमद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 30 रन टीम का स्कोर, 2 झटके लगे आदिल लेफ्टी को, चलता किया यहां अबरार पीर ने एक इन स्विंगिंग गेंद की सहायता से, उन्होंने उन्हें क्लीन बोल्ड किया, मैदान छोड़कर वो वापस गए, जबकि पहले विकेट के रूप में अपना शिकार बनाया आमिर हसन ने यहां समीर डीके को। 2 बड़े झटके लगे समीर और आदिल लेफ्टी जो मैदान छोड़कर वापस गए, एक सफलता मिली आमिर हसन को, जबकि अबरार पीर ने आदिल लेफ्टी की विकेट हासिल की। अबरार पीर नया ओवर करने के लिए तैयार, पहले ओवर में 4 रन खर्च किए, जबकि अपना दूसरा ओवर करने की वो तैयारी में है और इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अबरार पीर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद करने के लिए तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द स्टंप्स सामने हैं बल्लेबाज मंजूर सामना करेंगे अबरार पीर का। फ्रंट फुट पर आए, बल्ले को थोड़ा तिरछा किया, बैकवर्ड पॉइंट की ओर गेंद गई,
उस ओर खिलाड़ी तैनात। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं है, अभी भी ठहरा हुआ। टीम का स्कोर 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सईद मुजम्मिल शफी और उसके साथ साथ शाहिद हुसैन भट्ट राजस्थान से, भट्ट इकबाल मैच का आनंद ले रहे हैं। दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं अबरार पीर, जो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। सीधा रन अप हमेशा रहता है अबरार पीर का। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी तेज कदमों के साथ अंपायर के काफी करीब से फुल टॉस पे लेके गेंद को ड्राइव किया। ऑन ड्राइव के अंदाज में ये खेला गया स्ट्रोक। मिड ऑन पे दाएं जानिब खिलाड़ी ने ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड किया। स्कोर में एक रन का इजाफा, एक रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं वहां बल्लेबाज मुशरफ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जबकि जीशान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सामना करेंगे अबरार पीर का। अबरार पीर ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं। अबरार तेज कदमों के साथ इस ओवर में अगली बार, इस बार गेंद को खेला कवर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रनों के लिए। ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर जीशान फ्रंट फुट पर आया, हालांकि स्ट्रोक को ठीक तरह से टाइम तो नहीं कर सके, पर ताकत तो लगाई थी स्ट्रोक के पीछे। और इश्तियाक रॉबी जो कवर में मौजूद है उनके लिए कोई मौका नहीं बना। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन। इस चौके के साथ टीम के खाते में चार रनों का इजाफा, 35 दो विकेटों के नुकसान पर। 3.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। अबरार पीर की अगली गेंद जीशान को, जीशान ने गेंद को खेला, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रनों के लिए। लगातार दो गेंदों पर दो चौके लगे, 35 से बढ़कर अब टीम का स्कोर 39 हो गया है दो विकेटों के नुकसान पर। आज यहां टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया जॉन अलेवन के कप्तान ने। शुरुआत ठीक ठाक नहीं रही कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की। इश्तियाक रॉबी पहले आउट होने वाले खिलाड़ी बने, उसके बाद राजा तनवीर ने मोर्चा संभाला, उन्होंने शतक जड़ा कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के लिए और टीम ने 255 रन बनाए। अबरार पीर की गेंद, इस बार नो बॉल का इशारा तो संभवतः आएगा, बिल्कुल नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। एक रन मिलेगा यहां एक्स्ट्रा के रूप में और बदले में फ्री हिट मिलेगी यहां जीशान को, और जीशान वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 40 रन टीम का स्कोर दो विकेटों के नुकसान पर। रोहुल्ला डार हैदर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। जीशान ने अब तक 34 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया। जीशान क्या इस फ्री हिट का लाभ मिलेगा या नहीं, वो सामना करेंगे अबरार पीर का। अबरार पीर की गेंद, जीशान को खेलना चाहते थे और गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई। डॉट गेंद के साथ ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं सईद मुजम्मिल शफी। इस पार के लिए भाई शुक्रिया। जीशान जियान के साथ मलिक यूसुफ भी बने हुए हैं। बिल्कुल कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने राजा तनवीर, उन्होंने शतक जड़ा, दूसरा शतक था इस टूर्नामेंट में राजा तनवीर का। ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर गए, पॉइंट और कवर के दरमियान से खेला गया करारा स्ट्रोक, गेंद दूर ओसोर सीमा रेखा से बाहर चली गई, चार रनों के लिए। टीम के खाते में चार रनों का इजाफा, टीम का स्कोर अब 44 हो गया है दो विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये चौथा ओवर समाप्त हुआ, 11 की औसत से रन बन रहे हैं, 44 दो झटके लगे। इस ओवर में 14 रन खर्च किए हैं यहाँ गेंदबाज अबरार पीर ने। त्राल से बने हुए हैं सईद मुजम्मिल शफी, जबकि शाहिद खान मैच का आनंद ले रहे हैं। राकेश फ्रॉम जम्मू जो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, जबकि रुहुल लाडार शाहिद खान भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपुर, नासर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा। नया ओवर शुरू होने को है। टीम के कप्तान शेख जुनेद शायद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। शेख जुनेद वो गेंदबाजी करने की तैयारी करेंगे। ओवर द स्टंप्स हिल एंड से गेंदबाजी करने जा रहे हैं, हल्का फुल्का वो अभ्यास कर रहे हैं वहां खिलाड़ी के साथ जो मिड ऑन पे फील्ड के फराइज अंजाम दे रहे हैं। डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, मंजूर सामना करने के लिए तैयार, शांत मिजाज के खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ देखा जाए अनुभव की कमी नहीं है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हुए खिलाड़ी जीशान के पास। शेख जुनेद की गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, गेंद को डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में, खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, देखना है रोक पाएंगे या नहीं। और गेंद को फील्ड करके उन्होंने थ्रो किया, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे, दो रन खाते में। इन दो रनों की सहायता से टीम का स्कोर अब 44 से बढ़कर 46 हो गया है, केवल दो रन मिले। शानदार फील्ड का मुजाहरा विकेट कीपर
इश्फाक के दौरा इश्फाक शेख ने गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर तो जाने नहीं दिया, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। टी20 क्रिकेट में हर रन तो कीमती होता है। वहां शेख जुनेद गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द स्टंप्स, मंजूर को ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गति में मिश्रण किया, परिवर्तन किया और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। लतीफ कावा, आशिक ट्रकवाल, जबकि उसके साथ शेख रहीस और इद्रीस के साथ रुहुल लाडार, परेश शफी, साहिल भट्ट, मीर इमरान भी मैच का आनंद ले रहे हैं, जबकि गाजी इमो भी बने हुए हैं। जीशान है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे 14 गेंदे 38 रन बनाकर वो नाबाद है। मंजूर 7 के स्कोर पे नाबाद, सामना करने की तैयारी में कदमों का इस्तेमाल, गेंद उस दिशा में गई लॉन्ग ऑफ की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में 1 रन का इजाफा। उस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर अब 47 हो गया है। 4.3 ओवर की गेंदबाजी, जीशान यूनस, मुस्लिम बॉय, जबकि इट्स बट और परिसा कलेक्शन, मोहम्मद इकबाल शेख, जबकि डॉक्टर शरीर साहब भी बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम पर। इस बार गेंद को खेला, गेंद मिड विकेट की दिशा में जा रही है, उस ओर खिलाड़ी हैं, क्या वो गेंद को कैच कर पाएंगे या नहीं। एक आसान सा कैच लिया गया, इस तरह से एक बेहतरीन कैच लिया गया, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे जो इससे पहले खिलाड़ी थे, अब वो दूर उस ओर जा रहे हैं बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां एक बेहतरीन कैच लिया गया डीप मिड विकेट क्षेत्र पे, एक बेहतरीन कैच के साथ पारी समाप्त हुई जीशान की। जीशान मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। 47-3 झटके लगे, मंजूर और डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज मुशरफ डगआउट से नमूदार हुए हैं। वहां तैनात खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, किस तरह उन्होंने निगाहें बनाए रखी। कयूम वहां मौजूद थे, अब्दुल कयूम, उन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया, इस तरह से इस बेहतरीन कैच की सहायता से पारी समाप्त हुई जीशान की। 28-14 गेंदों का सामना किया, मैदान छोड़कर वो वापस गए। 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और सोफी तनवीर हुसैन भी बने हुए हैं, जबकि जहूरुल हसन और पायर अजहर बने हुए हैं। मेरे जो साथी कमेंटेटर है इरशाद भाई, जेके स्पोर्ट्स नाम के ऑफिशियल इंग्लिश कमेंटेटर, वो यहाँ मौजूद नहीं है। अभी भी ठहरा हुआ स्कोर टीम का 47-3 विकेटों के नुकसान पर। शाही जहां भट्ट, पीर ताहिर खान, आदिल खान, शाह वाहिद, मीर एहसान भी मैच का आनंद ले रहे हैं पायर अजहर के साथ। 47 ठहरा हुआ टीम का स्कोर, 3 झटके लगे, 4.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए गेंदबाज शेख जुनेद तैयार हो रहे हैं, मुशरफ सामना करने की तैयारी में। जॉन अलेवन मागाम, उन्होंने जो 3 विकेटें खोई है अब तक, 3 झटके जो उन्हें लगे, 3 बड़े नाम आदिल लेफ्टी, समीर और उसके साथ साथ एक बड़ा झटका जीशान के रूप में। शेख जुनेद, इस ओवर की अगली गेंद ड्राइव किया गया, गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की सहायता से जीशान नॉन स्ट्राइकिंग, हालांकि मुशरफ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंचे हैं। मंजूर सामना करने के लिए तैयार, 48 3 झटके लगे हैं। शेख जुनेद की गेंद पैर लाइन पे आती हुई, गेंद को धकेला, कलयुग के सारे गेंद स्कर्ले की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को जरूर रोका, बाउंड्री लाइन से बाहर तो जाने नहीं दिया। तब तक बल्लेबाजों को समय मिला 2 रन लेने का, इन 2 रनों की सहायता से 50 रन पूरे हुए 3 विकेटों के नुकसान पर। मीर अनम शोपियान से मोहम्मद हुसैन भी बने हुए हैं। कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा ने 255 बनाए, 256 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए, और बड़ी बात यह रही कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के लिए, राजा तनवीर ने यहां शतक जड़ा, लगातार उनका दूसरा शतक है इस टूर्नामेंट में। हुराइसे में ये टूर्नामेंट उन्हें काफी रास आया, आसान नहीं रहता है टी20 क्रिकेट में शतक लगाना। तारीफ करनी होगी राजा मुनीर की, क्या स्ट्रोक प्ले देखने को मिला, जमकर हर गेंदबाज की उन्होंने खबर ली और टीम बैकफुट पर नजर आ रही है जॉन अलेवन की। जॉन अलेवन 50 टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 206 रन चाहिए जीतने के लिए, 90 गेंदें बची हुई है, 5 ओवर 50 रन, 10 की औसत से रन बना रहे हैं यहां खिलाड़ी जॉन अलेवन। और उन्होंने ये जो कोशिश की थी कि एक लक्ष्य जो उन्हें मिला चेज करने के लिए उसका पीछा किया जाए, पर टीम लक्ष्य से दूर नजर आ रही है। ताहिर समद भी बने हुए हैं मुजीब मुजफ्फर हुसैन के साथ, बशारत बशीर मीर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स हैं जस बुखारा, MTM सॉल्यूशंस, रोशन ट्रेडर्स, मीर वेजिटेबल्स,
MAM Constructions, Mir Mobile Gallery, John Mobile Gallery, Al Qadir Ornaments, Habakadal Srinagar, Sahara Jewelers, जबकि सहयोग मिल रहा है राज वेब पॉइंट का। ओवर द स्टंप्स नया ओवर शुरू किया गया, जुबेर को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। सामने है मुशरफ, मंजूर तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है, मुशरफ सामना करेंगे जुबेर का। जुबेर नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार मुशरफ को, मुशरफ ने कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले को तिरछे अंदाज में जरूर लिया और बल्ले के बाहरी भाग से गेंद लगी। शॉर्ट थर्ड मैन पे तैनात खिलाड़ी को चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई चार रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के स्कोर में चार रनों का इजाफा, टीम का स्कोर अब 50 से बढ़कर 54 हो गया है तीन विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में अगली बार ओवर द स्टंप्स तेज कदमों के साथ, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, गेंद को धकेला, गेंद स्क्वायर लेग की ओर जा रही है। शॉर्ट फाइन लेग से खिलाड़ी गए राजा तनवीर गेंद को फील्ड करने के लिए, क्या उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं। जैसे तैसे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से रोका, नहीं रोक सके बल्लेबाजों को दो रन लेने से। इन दो रनों की सहायता से 56 तीन विकेटों के नुकसान पर टीम का स्कोर अभी भी 200 रन चाहिए, 87 गेंदें बची हुई है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, एक बड़ी पारी मैच का नक्शा बदल सकती है पर वो बड़ी पारी किसके बल्ले से देखने को मिलेगी, ये सवाल हर किसी के जहन में। जाहिर किए गेंद स्टंप से दूर चले गए और खेलना चाहते थे वो इनसाइड आउट, कवर्स के ऊपर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी है, शॉर्ट थर्ड में धारे के अंदर है, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है, कवर में खिलाड़ी है। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, ऑप्शन से बाहर, गेंद ने टिप्पा खाया, अंदर की ओर आई, मिडल स्टंप के साथ गेंद जाके टकराई, इस तरह से एक बड़ी विकेट हासिल की गई। छप्पन रन चार विकेटों के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स जज बुखारा, मीर मोबाइल गैलरी, मीर वेजिटेबल्स, और जो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर व्यूवर्स उनके लिए बताता चलूं, 56 रन टीम का स्कोर, चार झटके लगे और 56 टीम का स्कोर चार विकेटों के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपुर। टीम का स्कोर 56 चार विकेटों के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। इस ओवर की आखिरी गेंद पावर प्ले समाप्त होने को है और अगर तुलना करेंगे कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के साथ तो कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा को केवल एक झटका लगा था और उन्होंने कोहराम मचा दिया था इस मैदान पर। श्रेय जाता है राजा तनवीर को, जो टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने चार चांद लगाए इस टूर्नामेंट को, जज बुखारा, जॉन मोबाइल गैलरी, सहारा ज्वेलर्स, मीर मोबाइल गैलरी, MTM सॉल्यूशंस, मीर वेजिटेबल्स, मगाम, जज बुखारा, अब्दुल्ला फैब्रिक्स, फिटनेस फर्स्ट, राज वेब पॉइंट, अल कादिर ऑर्नामेंट्स, खान प्रॉपर्टी डीलर्स, कावसा, MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर, रोशन ट्रेडर्स, MA फार्मास्यूटिकल्स, ये स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट के। नया ओवर, हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, जुबेर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने है इमरान, इस बार बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। 56 चार विकेटों के नुकसान पर 6 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी तो देखने को मिली गेंदबाजों की जानिब से, जिस तरह उन्होंने लगातार एक बड़े हौसले के साथ गेंदबाजी की। देखिए पार्ट जैसा लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए, जॉन अलेवन मागाम की टीम को जो उन्होंने फैसला लिया था वो गलत साबित हुआ। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया वो गलत साबित हुआ टीम के लिए। ऐसे में तो एक बड़ा मुकाबला है, ऐसे आसान नहीं रहेगा इस बड़े लक्ष्य को हासिल करना। पार्ट जैसा लक्ष्य मिला है, अभी भी 200 रन दरकार है टीम को जीत के लिए और ज्यादा गेंदे तो अभी आने नहीं बाकी। देखिए जो प्रमुख हथियार होते हैं और टीम के चार प्रमुख जो हथियार थे वो मैदान छोड़कर वापस गए खाली। 56 के स्कोर पे 6 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। ऐसे में तो तारीफ बनती है गेंदबाजों की, जिस तरह उन्होंने एक बड़े हौसले के साथ गेंदबाजी की लगातार मागाम के इस खूबसूरत मैदान के अंदर, जहां वो आज दो दो हाथ कर रही है और कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा और जॉन अलेवन मागाम की मागाम के साथ। देखिए यहां क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में जगह बनानी होगी टीम को, ऐसे में तो कोशिश रहेगी और दोनों टीमों की। बारिश जरूर हुई थी यहां और टीम के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीतकर ये फैसला किया था कि वो पहले
गेंदबाजी करेंगे, पर विकेट तो डका हुआ था और ऐसे में वो जो फैसला किया गया था वहां टॉस जीतकर फील्ड करने का, और ऐसे में उस फैसले को सही साबित करना था गेंदबाजों को। शुरुआत में एक झटका तो जरूर दिया गया इश्तियाक रॉबी जब आउट हुए थे, उसके बाद मैदान के चारों तरफ आकर्षक स्ट्रोक देखने को मिले राजा तनवीर के बल्ले से। उन्होंने यहां डोमिनेट किया, शतक जड़ा, टीम को मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया। इश्तियाक रॉबी नए ओवर की पहली गेंद अपना पहला ओवर करने जा रहे हैं। मिडिल स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, धकेला गेंद को रन के लिए और एक रन मिलेगा। इस एक रन की सहायता से मंजूर अब नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे, जबकि इमरान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इमरान सामना करेंगे इश्तियाक रॉबी का। इश्तियाक रॉबी दाएं हाथ के गेंदबाज, राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं इश्तियाक रॉबी इमरान को। इमरान ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद मिड विकेट की दिशा में गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, एक रन मिलेगा। और इस एक रन की सहायता से इमरान नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे, उनका निजी स्कोर एक हो गया है। खाता खुला इमरान का, दो गेंदों का सामना किया, मंजूर 11 के स्कोर पे नाबाद है। 58 चार विकेटों के नुकसान पर 6.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। इश्तियाक रॉबी इस ओवर में अगली बार, इस बार बल्ला चलाया, चूके स्ट्रोक लेने से बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद लगी और स्टंप के साथ जाके टकराई, प्ले डाउन हुए बल्लेबाज, मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। पांचवा झटका लगा, 58 पांच विकेटों के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। और गुगली गेंदबाज की तो यह अक्सर खासियत होती है कि वो हमेशा बल्लेबाज को चकमा दे रहे हैं और इस बार भी चकमा दिया। गुगली वन गेंद थी, तो इस तरह से और एक झटका लगा यहां जॉन सलीवन मागाम की टीम को, और ऐसे में अब बैकफुट पर चली गई। जो बड़े बल्लेबाज थे टॉप ऑर्डर के, कुछ ऐसे बल्लेबाज थे, प्रमुख हथियार थे जॉन सलीवन मागाम की टीम पे और जिन पे नजरें थी और वो कुछ कार्य कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, पर वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। एक के बाद एक झटके लगे जॉन सलीवन मागाम की टीम को। अब मुझे लग रहा है कि टीम मुश्किल में दिखाई दे रही है और मुश्किल में फंस गई है जॉन सलीवन मागाम की टीम। ऐसे में आप जाकर नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए बल्लेबाजी करने के लिए और अंपायर से उन्होंने गॉड लिया और निशाना साधा। मुख्तार जो अंपायर है और इस बड़े मुकाबले के जो दो ऑफिशियल है, मुख्तार और जानगीर जान जो सुकर लेग अंपायर है, मुख्तार ने उन्हें गाड़ दिया, जमीन को ठपठपाया और ऐसे में फील्डिंग फैला रहे हैं वहां गेंदबाज इश्तियाक। देखिए इश्तियाक गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर में इश्तियाक की एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, दो गेंदों में दो रन आए पर तीसरी और गेंद पर सफलता दिलाई उन्होंने और पांचवा झटका लगा टीम को जॉन सलीवन मागाम की टीम को। और आबिद और इमरान की जोड़ी मैदान के अंदर है फिलहाल। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से हल्के हाथों से इसे ड्राइव किया पॉइंट की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात दायरे के अंदर, उन्होंने जब तक गेंद को फील्ड किया थ्रो किया नॉन स्ट्राइक की ओर, उससे उस ओर तो और इश्तियाक से जो हल्का सा मिसफील्डिंग हुआ और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। आसिफ अली भट्ट मैच का आनंद रखे हैं और ऐसे में आपका आत्मीय मोबाइल आप इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल गेंदबाजी इस ओवर में अगली मरतबा इस बार बढ़िया गेंद छकाया इस बार और गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जस बुखारा और अंथम स्पोर्ट्स इंडिया, शाइनिंग स्टार पांपोर, फैशन फीस्टा, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा खेलना चाहते थे। बल्ले के टॉप एज से गेंद लगी और स्लिप कॉर्डन की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात शेख जुनेद, कोई गलती नहीं की, एक बेहतरीन कैच लिया गया। इस तरह से 60 के स्कोर पे ये छठा झटका लगा, आबिद मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। इमरान नौबत है नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे, 60 टीम का स्कोर, 6 झटके लगे। डगआउट से नए बल्लेबाज अब नमूदार होने जा रहे हैं, देखना है किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा। स्पॉन्सर्स इस टूर्नामेंट के एमकेटी की मैं अगर जिक्र करूं, जज बुखारा ऑफिशियल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट का, जॉन मोबाइल गैलरी, सहारा ज्वेलर्स, मीर मोबाइल गैलरी, एमटीएम सॉल्यूशंस, मीर वेजिटेबल्स, जज बुखारा, अब्दुल्ला फैब्रिक्स, फिटनेस फर्स्ट, राज वेब पॉइंट, अलकादिर आर्नामेंट्स, हबाकदल खान प्रॉपर्टी डीलर और MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर रोशन ट्रेडर्स के साथ ये स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट के। अगर मैं MKT की जिक्र करूं, जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट के, जज बुखारा। तो इस तरह से अब टीम दबाव में दिखाई दे रही है, प्रेशर में दिखाई दे रही है और नहीं लग रहा है कि वो लक्ष्य का पीछा करने
उतरी है मैदान के अंदर एक बड़े हौसले के साथ, जिस तरह उन्होंने एक के बाद एक विकेट गंवाए हैं और सेमीफाइनल मुकाबले के लिए जगह बनानी थी टीम को। ऐसे में तो इस बात का बखूबी उनको इल्म था कि बड़ा मुकाबला है, यहाँ तक आप पहुँचे थे इस टूर्नामेंट में, पर यहाँ और जो उन्हें चूक हुई थी, मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं जो टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया वो सबसे बड़ी चूक रही है उनके कप्तान को, टीम के लिए भी और अपने लिए भी। मैं हमेशा कहता हूँ मैदान चाहे छोटा हो या बड़ा, पर आप जब तक आप अच्छी गेंदबाजी नहीं करोगे तब तक आप किसी टीम को नहीं रोक सकते हो एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने से। अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ ग्राउंड फील्ड भी ठीक होनी चाहिए, ना गेंदबाजी अच्छी हुई ना ग्राउंड फील्ड बेहतर नज़र आई। टीम अगर संकट में नज़र आ रही है, पहले गेंदबाजी भी खराब हुई फील्ड भी खराब हुई, अब रही सही कसर यहाँ बल्लेबाजों ने भी पूरी की और उन्होंने भी वही परफॉर्म किया जो उनसे उम्मीद नहीं थी। एक के बाद एक झटका लगा, स्थिति बिगड़ी हुई नजर आ रही है और इमरान सामना करने के लिए तैयार, दाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करेंगे गेंदबाज इश्तियाक। हालांकि इश्तियाक ने दो सफलताएं हासिल की अपने पहले ओवर में, केवल चार रन खर्च किए हैं। नए ओवर की पहली गेंद शॉर्ट गेंद पैड लाइन पे ड्रिफ्ट होती हुई गेंद ऑन साइड में चली गई और ये स्ट्रोक लिया गया जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए। एक रन खाते में, इसे एक रन की सहायता से इमरान अब स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। 7 से बढ़कर 61 टीम का स्कोर। जुबेर अपना नया ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 7.1 ओवर की गेंदबाजी, 61 रन टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। जुबेर इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे, उसका सामना कर रहे वहां पर बल्लेबाज इमरान और जो डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हुए इमरान। देखिए इमरान पर प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा और देखिए दो ऐसे बल्लेबाज आप जो क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आसान नहीं रहेगा उनको आगे का सफर तय करना, ये देखते हुए कि बड़ा लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। और अब जाकर गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा जुबेर गेंद करेंगे और उसका सामना करने की तैयारी में बल्लेबाज इमरान और दाएं हाथ के बल्लेबाज। फील्डिंग का उन्होंने जायजा लिया, सारे लाया दाएं बाएं और ये देखते हुए कि पहले सबसे पहले तो हम फील्डिंग का जायजा लेंगे और वो दर्शाया बल्लेबाज इमरान ने। अब जाकर बल्ला हवा में झूलते हुए नजर आ रहा है, जमीन को ठपठपाया और गेंदबाज जुबेर दूर उस छोर से लंबे कदमों का रन ऑफ है। ओवर द स्टंप्स दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जुबेर इस ओवर में पहली मरतबा गेंद की, इस बार फिर से स्टंप्स की लाइन में गेंद थी। अच्छा खासा उछाल, ज्यादा उछाल तो नहीं था इस गेंद में और गेंद की पीछे आए, हल्के हाथों से इसे वापस धकेला और किसी रन के लिए नहीं, टीम का स्कोर 61 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और यहां जुबेर लगातार जो गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद पर रन दिया, दूसरी गेंद डॉट और इमरान, मुझे लग रहा है कि इमरान पर अब दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा और काफी देर से वो प्रेशर झेल रहे हैं। फिलहाल गेंदबाज जुबेर इस ओवर में अगली मरतबा इमरान के लिए, इस बार फिर से पंजों पर उछलते हुए इस गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया कवर की जानिब, उस ओर खिलाड़ी तैनात, तब तक चहलकदमी के साथ एक रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन की सहायता से 62 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। फयाज मजीद मैच का आनंद ले रहे हैं, शेख हनान भी बने हुए हैं। 7.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है, ओवर की चौथी गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में अगली बार वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं तेज कदमों के साथ जुबेर। इस ओवर की अगली गेंद इमरान को, इस बार बढ़िया गेंद मिडल और ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टप्पा खाया, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। 7.3 ओवर की गेंदबाजी, 62 6 विकेटों के नुकसान पर। यह लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अंतम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पापोड़, नासर स्पोर्ट्स मार सिंहपुरा, जिनके सहयोग से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। इस बार फिर से कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। लगातार दो डॉट गेंदें हुई हैं। 7.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है, ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 8वां ओवर समाप्त होने को है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं इमरान और स्ट्राइक लेने की तैयारी में है इमरान खांडे वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में आखिरी बार 62 6 विकेटों के नुकसान पर सामने है इमरान खांडे। बढ़िया गेंद मिडल और ऑफ स्टंप की सीध में गेंद ने टप्पा खाया, धकेला गेंद को, रन के लिए तो दौड़ पड़े थे इमरान, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद से इमरान टस से मस नहीं हुए, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ पारी का ये 8वां ओवर समाप्त हुआ, 62 रन टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर।
रहमान डार भी मैच का आनंद ले। देखिए रहमान भाई और एक बड़ा मुकाबला है इस वक्त जारी। देखिए अनुष्टाओं का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। T20 खेल है, जालिमाना खेल है, कभी किसी भी वक्त ये पासा पलट सकता है और रंग बदल देता है। और ऐसे में जो बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अनुभवी बल्लेबाज है, ये कुछ प्रमुख हथियार है टीम के और जिनके कंधों पर अब दारमदार आन पड़ा है। और ऐसे में क्या वो उस जिम्मेवारी पे खरा उतरेंगे इस मैदान के अंदर। यहाँ फिर से अब मेरे ख्याल से इश्तियाक को अब तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए, फील्डिंग का वो जायजा ले रहे हैं और अभी भी वो फील्डिंग सजा रहे हैं। और यहाँ टीम का स्कोर 62 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। अभी भी बहुत सारे रन बनाने हैं जॉन्स 11 मागाम की टीम को। इश्तियाक अब जाकर इस ओवर में पहली मरतबा छोटे कदमों करना, अब गेंद की इस बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बार ये गेंद थी, इस बार अपने बल्ले को खामोश रखा बल्लेबाज इमरान ने और जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के लिए। तो इस तरह से एक गेंद मुकम्मल हुई इश्तियाक के इस ओवर की, जो अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो उन्होंने खाली 4 रन दिए इश्तियाक इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार फिर से पलट कर ऑन साइड की ओर स्ट्रोक लिया और गेंद गोली की रफ्तार से सुकर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार मिडल और लेग स्टंप पर यह गेंद थी, इस बार टूट पड़े इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज इमरान और पूरा ताकत लगा स्ट्रोक के पीछे, ये देखते हुए कि पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है। अलाका खाली पड़ा था, लाभ मिला बल्लेबाज इमरान को इश्तियाक इस ओवर में। अगली मरतबा इमरान के लिए, इस बार फिर से सीप के अंदाज में स्ट्रोक लिया, उस ओर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। यह दो गेंद दूसरी मरतबा उसी दिशा में बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार बैक टू बैक 2 चौके लगे यहां इमरान के बल्ले से। इस बार स्वीप के अंदाज में एक घुटना जमीन से टिकाया बल्लेबाज इमरान ने और 2 चौके लगाए अभी तक इस ओवर में फिलहाल इश्तियाक इस ओवर में। अगली मरतबा इमरान के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी, पीछे हटे थे, पड़ने के बाद अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और रन के लिए दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइक से इश्तियाक पर। इमरान तस से मस नहीं हुए और ये देखते हुए कि अभी तक 8 रन आए हैं इस ओवर में, जोखिम लेंगे यहां से तो खतरा हो सकता है टीम के लिए। और ऐसे में इश्तियाक इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे इमरान के लिए। इस बार फिर से कट करना चाहते थे, ठीक से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए, हड़बड़ा से अंदाज में स्ट्रोक लिया, उसके बाद वहां थ्रो भी देखने को मिला दिशाहीन थ्रो और मिड विकेट से खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया किसी रन के लिए नहीं। और तब तक एक ही रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने इस 1 रन के साथ। अब जाकर 71 रन टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे, 8.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। इश्तियाक इस ओवर में आखिरी मरतबा इस बार लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, बीट हुए इस बार वहां पर बल्लेबाज इमरान, गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। और तो इस तरह से अब जाकर 9 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 9 ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर 71 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 71-6 झटके लगे, 9 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 185 रन चाहिए जीतने के लिए, केवल 11 ओवरों का खेल बचा हुआ है। जो दरकार औसत है 16.82, लगभग 17 की औसत से आपको रन बनाने होंगे। क्रिकेट में कुछ असंभव नहीं, पर जो स्थिति है टीम की, मुझे लग रहा है कि ये असंभव लक्ष्य है। और आपने सही कहा, क्योंकि क्रिकेट में कुछ असंभव नहीं है, पर ये जो लक्ष्य मिला है, यहाँ जो स्थिति है मैच की, जो सूरत हाल है, नहीं लग रहा है कि ये जो सफर है आगे का अब तय करना आसान रहेगा जॉन्स 11 मागाम की टीम को। उनके 6 बल्लेबाज थे और एक से बढ़कर एक नाम थे, वो कुछ खास कार्य नहीं कर पाए। ये देखते हुए कि बड़ा लक्ष्य मिला है, दरकार थी अपने आप को सेट करने की, एक अच्छी साझेदारी की, अच्छी शुरुआत की दरकार थी टीम को, पर वो नहीं दिला पाए जॉन्स 11 मागाम की टीम। वो टीम अब बैकफुट पर नजर आ रही है, बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो कुछ दबाव में दिखाई दे रहे हैं। यहां जो 9 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है, गेंदबाजों की अगर बात करेंगे, काफी सारे प्रमुख हथियार है यहां कोचिंग सेंटर जो कपोड़ा की जो टीम है, वो एक अच्छे हौसले के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, उसका फायदा मिला टीम को। सही कहा आपने, कोचिंग सेंटर ने जो अब तक गेंदबाजी की है, लगातार मिश्रण किया गेंदबाजों में और इश्तियाक रॉबी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, जुबेडा राय, शेख जुनेद आए, अबरार पीर आए, आमिर हसन का इस्तेमाल किया गया। अब तक 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और वो जो एक रणनीति बनाई जाती है गेंदबाज के खिलाफ, वो रणनीति बनाने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, लगातार मिश्रण करते रहे। और इससे पहले रॉबी ने जो गेंदबाजी की उनके खिलाफ तो प्लानिंग बनाई गई होगी और अब जाके उनको गेंदबाज से हटाया जाएगा, किसी दूसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ जुबेदार गेंदबाजी करने की तैयारी में, उन्होंने अब तक 8 रन खर्च किए, एक सफलता अर्जित की। लॉन्ग ऑफ पे जो तैनात खिलाड़ी वो अब दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं, कवर लगाया गया है, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट जहां पे आमिर हसन है और डीप थर्ड मैन लगाया गया है, आमिर हसन दायरे के अंदर,
इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, ये गेंद स्टंप से दूर चले गए थे, जगह तो बनाई थी, गेंद को धकेला, गेंद कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात है, स्कोर में एक रन का इजाफा, एक रन की मदद से 75 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। इमरान खांडे अब वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इमरान खांडे वो सामना करने की तैयारी में, सामना करेंगे गेंदबाज जुबेर का। जुबेर इस ओवर में अगली बार इमरान को इस बार खेलना चाहते थे, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल था, अच्छी खासी गति थी, गति और उछाल से मात खा गए बल्लेबाज, बल्ले को लगभग छूती हुई विकेट कीपर इशफाक के ग्लव्स में चली गई, इशफाक ने बाकी का काम पूरा किया। आज टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया जॉन एलेवन के कप्तान ने, कोसते होंगे अपनी किस्मत को, क्या समझ के उन्होंने वो फैसला लिया, 256 रन का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। मिड ऑफ की ओर गेंद को धकेल कर रन के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने एक रन पूरा किया, अब वो दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, ओवर थ्रो के रूप में ये दूसरा रन मिलेगा। जुबेर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं और जुबेर ने तीन गेंदे अभी तक इस ओवर में मुकम्मल की, खाली तीन रन दिए हैं और अब जाकर फिलहाल युवा गेंदबाज है जुबेर, और जुबेर आप जाकर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे, उसका सामना करें दाएं हाथ के तेज बल्लेबाज आमिर। इस बार बल्ला चलाया कवर और लॉन्ग मिड ऑफ के दरमियान से और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रनों के लिए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लिया, गेप ढूंढा, प्लेसमेंट लाजवाब था और गेंद जब जैसे बल्ले पर लगी थी, एक मानो कि उन्होंने एक सही दिशा पकड़ी, कवर और मिड ऑफ पर तो खिलाड़ी जरूर तैनात थे और उन्हें हिलने तक का मौका नहीं मिला। इस चौके की मदद से आप जाकर टीम का स्कोर 78 6 विकेट के नुकसान पे 78 रन और 4 ओवर के 9.4 और 4 ओवर की गेंदबाजी में इस बार क्रीज छोड़कर बाहर आए और अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और बीट हुए वहां पर बल्लेबाज और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। इस बार बढ़िया गेंद की वहां पर गेंदबाज जुबेर ने और दबाया, काफी सारा उछाल भी देखने को मिला, रफ्तार भी था इस गेंद में और बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में और जुबेर इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे और आखिरी गेंद करनी होगी इस ओवर की जुबेर को। जुबेर इस ओवर में अब अगली आखिरी मरतबा चले गेंद की, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी और पड़ने के बाद तेजी के साथ गेंद विकेट कीपर की ओर गई और किसी रन के लिए डॉट गेंद के साथ 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। टीम का स्कोर 78 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 78 6 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। ये लाइव ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पांपुर, जो टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स हैं जज्ब करा, एमटीएम सॉल्यूशंस, एमए फार्मास्यूटिकल्स, सहारा ऑर्नामेंट, सहारा ज्वेलर्स, अलकादिर ज्वेलर्स, हबाकदल, एमटीएम सॉल्यूशंस और उसके साथ साथ मीर वेजिटेबल्स, राज वेब पॉइंट, फिटनेस फर्स्ट, अब्दुल्ला फैब्रिक्स, जज बुखारा, मीर मोबाइल गैलरी, जॉन मोबाइल गैलरी, अलकादिर ऑर्नामेंट्स, हबाकदल, खान प्रॉपर्टी डीलर, काबूसा, एमएचएम मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर। इश्तियाक रॉबी नया ओवर करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं, इरशाद भाई भी बने हुए हैं मीर जावेद के साथ, मीर महम जिब्रिश महेश का आनंद रे। इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद थाई के साथ रिकोशेट हुई लेग बाइज के रूप में, चार रन खाते में। इस बार थाई पेड से जाकर गेंद टकराई, इस बार स्ट्रोक लेने के लिए गए थे बल्लेबाज पर लेग स्टंप के, काफी बार ये गेंद थी और फाइनल का इलाका खाली पड़ा था, उस ओर तो कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन हुई। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ साथ मैच का आनंद, खान गवर मैच का आनंद। इस बार फिर से पैड लाइन पर यह गेंद थी, वहां बल्ला चलाया था पर गेंद और बल्ले में मुलाकात ही नहीं हुआ और गेंद आई सीधे विकेट कीपर की ओर किसी रन के लिए। डार आमिर भी मैच का, मोहम्मद इकबाल शेख भी मैच का। आनंद भाई इस प्यार के लिए भाई आपका सभी का शुक्रिया। यहाँ इश्तियाक लगातार गेंदबाजी करे, पारी का ये 11वां ओवर जा रही है, 82 रन टीम का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे, 18 नंबर की जर्सी पहने हुए इश्तियाक गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल शेख भी बने हुए हैं, रॉबी किए गए लेग स्टंप से दूर, हालांकि स्टंप से दूर चले गए थे बल्लेबाज, उन्होंने जगह बनाई थी स्ट्रोक खेलने के लिए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। आमिर हसन जो बैकवर्ड पॉइंट से आए कुछ बातचीत करने के लिए बल्लेबाज के साथ, और आमिर हसन जाने जाते हैं इस चीज के लिए, वो बैकवर्ड पॉइंट से आए कुछ बातचीत की उन्होंने बल्लेबाज इमरान के साथ, और ऐसे में ये जो शब्द उन्होंने कहे होंगे, क्या अपनी जो आग्रिकता है वो भंग होने देंगे यहाँ इमरान या नहीं। कदमों का इस्तेमाल किया था पूरी तरह से झुके स्ट्रोक लेने से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, और आमिर हसन फिर से आए हैं और बल्लेबाज के साथ कुछ बातचीत की, बल्लेबाज के साथ जो उन्होंने कुछ शब्द किए वही कारण है बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया था कि आमिर हसन को वो जवाब दे सकेंगे, पर ऐसा तो नहीं हुआ। डॉट गेंद हुई है
और आमिर हसन अब उस जोश में नजर आ रहे हैं, इश्तियाक राबी का हौसला बढ़ा रहे हैं, इश्तियाक राबी का हौसला सातवें आसमान पर। इमरान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, कामयाबी हुए। इससे पहले जो उन्होंने गेंदे फेस किए पर उसमें कुछ परेशान से लग रहे थे वहां पर इमरान, पर इस बार जैसे कदमों का इस्तेमाल किया गेंद की पिच तक पहुंचे और बॉलर्स बैक ड्राइव, एक करारा स्ट्रोक देखने को मिला, दर्शनीय स्ट्रोक, ताकत लाजवाब था, टाइमिंग लाजवाब थी। इश्तियाक इस ओवर में अगली मरतबा इरवान के लिए, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया पर इस बार गेंद हवा में बुलंद हुई और लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया था। दूसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गेंदबाज इश्तियाक की ओर, तब तक दो रन मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने। मीर फैसल कह रहे हैं पिछला मैच जो जॉन एलेवन ने जीता किस्मत के सहारे, हर दिन किस्मत का संयोग साथ नहीं मिलेगा, 250 से ज्यादा स्कोर होता है तो चेज करना मुश्किल होता है जॉन एलेवन के लिए, और आज ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य चेज करना मुश्किल होगा। शानाज सरताज, मीर महम जिब्रिश, डार आमिर, लून मंसूर भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आमिर हसन इमरान के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, इमरान सामना करने की तैयारी में बल्ला दिखा रहे हैं आमिर हसन को, और आमिर हसन का शुमार उन खिलाड़ियों में होता है जो एंथम स्पॉन्सर्ड खिलाड़ी हैं, उनमें आमिर हसन का भी शुमार होता है। आमिर हसन उस फहरिस्त में जबकि आकाश अयूब हैं, बिलाल पांड्या हैं और उसके साथ साथ कुछ और नाम हैं, आप तजमुल बाबा की जिक्र करोगे, राजा सलीम हो, इम्तियाज लेफ्टी हो, और हर दिन उस फहरिस्त में किसी न किसी खिलाड़ी का इजाफा होता है, जबकि जुबैर पलहालन से और मुंतजर वानी उस फहरिस्त में, शेख जुनेद सामना करने के लिए तैयार है, और ऐसे में सामना करने की तैयारी जो कर रहे हैं बल्लेबाज इमरान खांडे सामना करेंगे शेख जुनेद का। जुनेद की गेंद इमरान को खेलना चाहते थे, गेंद गिरने के बाद कुछ रुक कर आई, ज्यादा गति तो नहीं थी इस गेंद में, और बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। क्रिकेट इज गेम ऑफ सेंसेशन, समीर अहमद भट्ट भी बने हुए हैं, भट्ट खुर्शीद के साथ वहां उस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं शेख जुनेद, अपना वो दूसरा ओवर कर रहे हैं, केवल 6 रन अब तक खर्च किए हैं जुनेद ने। शॉर्ट गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, ऑन साइड में स्ट्रोक लेना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क तो ठीक तरह से नहीं हुआ, क्या वो दूसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए, अंपायर के इशारे का इंतजार, कुल मिलाकर 5 रन खाते में। और इमरान वो नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे अभी भी नजर आ रहे हैं, गेंद को फील्ड करके थ्रो तो जरूर किया था, बैलेंस के साथ गेंद जाके टकराई, इस तरह से गेंद बाउंड्री पार चली गई 4 रन। इस चौके की सहायता से, 5 रनों की सहायता से 88 से बढ़कर 93 टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर लोन माही ऑफिशियल फोटोग्राफर जेके स्पोर्ट्स टाइम के, क्रालपुरा कुफवाड़ा से वो बने हुए हैं, और फुल टॉस कदमों का इस्तेमाल किया था पर फिर स्ट्रोक लेने से चूक गए, और स्ट्रोक को चेक किया, बल्ले को रोका, और मैं कहूं मारने लायक गेंद जाया की यहां बल्लेबाज ने। सही कहा आपने, मारने लायक गेंद थी, अगर गेंद पर वो बिल्कुल वार करते तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता, पर नहीं देखने को मिला। फिलहाल गेंदबाज शेख इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे, इस बार फुल टॉस पे लिया, गेंद को प्रहार किया, टूट पड़े गेंद के ऊपर और गेंद सीधे मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से इमरान के बल्ले से ये 6 रन आए हैं, उनका निजी स्कोर अब 23 हो गया है, और इस बार तो बढ़िया स्ट्रोक लिया बल्लेबाज आमिर ने, पूरा ताकत लगाया स्ट्रोक के पीछे, टाइमिंग लाजवाब थी और दर्शकों की ओर उन्होंने बल्ला बुलंद किया। देखिए दर्शक जो है और पीछे तमाशा देख रहे हैं और 4 चांद लगा दिए उन्होंने इस टूर्नामेंट को, दर्शकों के बिना अधूरा है ये क्रिकेट। ऐसे में फिलहाल शेख ईश्वर में अगली मरतबा तेज कदमों के साथ उसका सामना करे दायात के बल्लेबाज आमिर, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की लाइन में नहीं आए और गेंद छकाती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में। शहनईम जैन अजीन मैच का आनंद ले रहे हैं इरफान नजीर के साथ, जैन अजीन का कहना है, जैन अजीन का कि बारिश होगी तो मैच शायद रुक जाएगा, ऐसा होने वाला तो नहीं है, यहाँ 6 ओवरों से ज्यादा का खेल हुआ है, डीएल का इस्तेमाल करोगे तो जॉन एलेवन जीत से दूर रहेगी। शेख जुनेद
और मैं अगली बार इमरान को फिर से खेलना चाहते थे। लेग स्टंप के काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। डॉट गेंद के साथ पारी का ये 12वां ओवर समाप्त हुआ 99 6 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद इकबाल शेख रेगुलर व्यूअर जेके स्पोर्ट्स टाइम के बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं कोचिंग सेंटर को, फुआरा की टीम को। मीर सजाद, मीर जावेद, शबीर लोन, सजाद एंटनसो, मलिक जुल्फी, जबकि फारूक साहब भी बने हुए हैं पुलिस पोस्ट मिरगुन से। मलिक जुल्फी के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं सजाद एंटनसो, जबकि उजैर बशीर भी बने हुए हैं। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फीस्टा, शाइनिंग स्टार पापोर, जबकि हमें सहयोग मिल रहा है इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने में जज बुखारा, MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर, मीर मोबाइल गैलरी, जॉन मोबाइल गैलरी, राज वेब पॉइंट, मीर वेजिटेबल्स, मैन मार्केट मागाम, जिनके सहयोग से इस टूर्नामेंट को चार चांद लगे। इश्तियाक रॉबी अपना अगला ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने हैं इमरान, इश्तियाक रॉबी की गेंद इमरान को लेग स्टंप पर, इस बार गेंद को निकालने में उन्हें सफलता मिली। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और गुम कर ये स्ट्रोक लिया इमरान ने, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके की सहायता से 103 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। सज्जू सजाद मैच का आनंद ले रहे हैं बट तौकीर के साथ। लोन मोहसिन, इस प्यार के लिए शुक्रिया, आप स्टार्स भेज सकते हो जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए, अपना प्यार जता सकते हो। जेके स्पोर्ट्स टाइम का मंच हमेशा आपके लिए उपस्थित रहता है। इस बार गेंद को खेला, गेंद तीर के माफिक हवा में चली गई, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लिया गया। इस तरह से मैदान छोड़कर इमरान खांडे वापस जा रहे हैं। इमरान ने कुल मिलाकर 17 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, जितना समय उन्होंने क्रीज पे बिताया वो जूझते रहे और विश्वास के साथ उन्होंने ये बैटिंग नहीं की। और 17 रन तो जरूर बनाए बल्लेबाज इमरान ने, पर पूरी विश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की और काफी मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ा। जूझ रहे थे बड़े स्ट्रोक के लिए पर ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पा रहे थे। इस बार भी लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, तीर की तरह, गुब्बारे की तरह हवा में गेंद उड़ती हुई नजर आई और लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी ने जिस तरह इस कैच को अपने हाथों में कैद कर लिया। आसान नहीं रहता है जब गेंद ऊपर ज्यादा ऊंचाई हासिल करती है, घूम घूम कर वो फिर नीचे की ओर अपना सफर तय करती है और गेंद ऐसे में तो एक अच्छा कैच लिया, तारीफ तो बनती है उस खिलाड़ी के लिए। और यहाँ टीम का अब 7वां झटका लगा, इमरान मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, जिन्होंने आज विश्वास भरी पारी नहीं खेली और जिसकी दरकार थी आज जॉन 11 मागाम की टीम को। डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए बल्लेबाजी करने के लिए और सोहेल को भेजा गया है डगआउट से बल्लेबाजी करने के लिए। इमरान अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये जो और देखिए जो अब नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए बल्लेबाजी करने के लिए, देखिए ये वो ऐसे बल्लेबाज है और जिन्होंने गेंदबाजी में एक अच्छा कार्य किया था, 2 सफलता दिलाई थी टीम को और अब जाकर बल्लेबाजी करने के लिए इश्तियाक इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से। और मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और अच्छा खासा उछाल भी था, कट करना चाहते थे, गेंद की लाइन में नहीं आए वहां पर बल्लेबाज इमरान और गेंद छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। फिलहाल इश्तियाक इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से बॉलर बैक ड्राइव, गेंद गोली की रफ्तार से सफर तय कर रही है, वहां प्रयास तो जरूर किया था खिलाड़ी ने पर गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला, बॉलर के सर के ऊपर से ओवर पिच गेंद थी, ताकत पूरा लगाया स्ट्रोक के पीछे बल्लेबाज इमरान ने। इमरान जब से बल्लेबाजी करने के लिए तो रन नजर आ रहे इसके बल्ले से, इस बार फिर से घुटना जमीन से टिकाया था, लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे पर इस बार चकमा दिया गेंद ने भी, गेंदबाज ने भी वहां पर बल्लेबाज इमरान को। और पीछे बैठे विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी जिस तरह वो विकेट कीपर का फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। अब जाकर फिर से लंबा स्ट्रोक लिया, गेंद हवा में बुलंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं पर नो मैन लैंड में गेंद गिरी और स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात थे। देखिए वहां पॉइंट दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात फील्डिंग कर रहे थे, वो स्लिप कॉर्डन की ओर गए और उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को के पास 1 रन लेने का और वो दर्शाया वहां पर बल्लेबाज सोहेल और इमरान ने। 108 7 विकेटों के नुकसान पर ज़ैन अज़ीन अब्दुल राशिद मैच का आनंद ले रहे हैं और सोहेल तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। इमरान सामना करने की तैयारी में 108 7 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 7 ओवर बचे हुए हैं, 148 रन चाहिए जीतने के लिए, दरकार औसत 21.14 की। इमरान वो सामना करने की तैयारी में है
8.3 की औसत से अब तक उन्होंने रन बनाए, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की लाइन में नहीं आए बल्लेबाज और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। और यहाँ कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं मैच किनका है। देखिए यहाँ कोचिंग सेंटर कपवाड़ा और जॉन अलेवन मागाम की टीम दो दो हाथ कर रही है और कोचिंग सेंटर कपवाड़ा की टीम ने एक बड़ा पार्ट जैसा लक्ष्य दिया आज जॉन अलेवन मागाम की टीम को। और मुझे लग रहा है कि वो जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य के सामने अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही है बल्लेबाजी। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था पर ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई और फॉलो थ्रू में आकर गेंदबाज और शेख ने गेंद को फील्ड किया किसी रन के लिए नहीं। ये अगर ओवर्स की बात करेंगे तो 13.3 और 2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है और मुझे नहीं लग रहा कि आप जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं कि उनके जहन में कुछ ऐसा है कि हम टीम को जीत दिला पाएंगे, पर वो खाली फॉर्मेलिटीज को अब पूरा कर रहे हैं। फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार बल्ला चलाया, मोटा किनारा लगा, सी लैंड में दिशा किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 108 से बढ़कर 112 अब हो गया है। मलिक इकबाल मैच का आनंद ले रहे हैं। सुपर ओवर में एक रोमांचक जीत हासिल की थी कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा ने। अब तक जो उनका सफर रहा, जो पहला मुकाबला रहा था उनका, तब दो दो हाथ कर रही थी टीम अलेवन ब्रदर्स के साथ, 200 से ज़्यादा का लक्ष्य उन्हें मिला था चेस करने के लिए, लक्ष्य से टीम ज़्यादा दूर तो नहीं रही थी। इस बार गेंद को खेला कवर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन, करारा स्ट्रोक कवर के ऊपर से, उस ओर कोई खिलाड़ी तो था ही नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। कोचिंग सेंटर का जो पहला मुकाबला हुआ था काफ़ी करीबी मुकाबला हुआ था अलेवन ब्रदर्स के साथ, जब 200 से ज़्यादा का लक्ष्य मिला था चेज करने के लिए, टीम तो बैकफुट पर नजर आ रही थी, आखिरी ओवर में उन्होंने जीत हासिल की। दूसरा मुकाबला भी काफ़ी करीबी रहा और तीसरे मुकाबले की अगर मैं जिक्र करूं उसमें सुपर ओवर रहा और चौथे मुकाबले में दो दो हाथ कर रही हैं, एक बड़ी जीत की ओर टीम जा रही है। इश्तियाक राबी ने एक प्रयास किया था उस दिशा में कैच लेने का, कैच छूटा, इमरान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, सुहेल अब सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। सुहेल अब सामना करेंगे यहाँ गेंदबाज शेख का। देखिए शेख गेंदबाजी कर रहे, एक नंबर की जर्सी पहने हुए और अब जाकर यहाँ इमरान और सहेल की जोड़ी मैदान के अंदर है और शेख अब गेंदबाजी करेंगे और इस ओवर में अब वो अगली मैच, देखिए इस ओवर में काफ़ी सारे रन नज़र आए अभी तक, अगर देखा जाए तो 11 रन आए अभी तक शेख के इस ओवर में और जो लगातार बिल्कुल उस ओर उस छोर से हिल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और अब जाकर सहेल उसका सामना करेंगे। और सहेल देखिए हाँ इमरान की अगर बात करेंगे तो 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 29 रन उनका निजी स्कोर है और फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे और अंपायर को क्रॉस किया गेंद की इस बार फिर से और ऑफ स्टंप के काफी बार ये गेंद थी, गेंद की पीछ तक पहुंचे, इस गेंद को खाली अपने बल्ले से लगने दिया और कवर की जानिब उस और खिलाड़ी था यूनुस। यूनुस मैच का आनंद लेंगे। यूनुस भाई इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया, जयान और आपका भी वेलकम कर रहे हैं हम इस जेके सपोर्ट्स के, जेके सपोर्ट्स के इस बड़े मैच पे और ऐसे में एक बड़ा लक्ष्य तो मिला था चेज करने के लिए। यहां अब इस ओवर का खेल 14 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है, 14 ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर 119 रन 7 विकेट के नुकसान पे और देखिए दो बल्लेबाज जो है मैदान के अंदर सेल और इमरान और लंबी बातचीत हो रही है आपस में और न जाने कौन सा इशारा किया होगा एक दूसरे की ओर, वो तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि कौन सा इशारा किया था उन्होंने। क्या मुझे लग रहा है कि शायद, और कभी कभार कहते हैं ना कि टेस्ट में तो हमें फालवान कभी मिलता था फिर उसे बचाना था और क्या वही, और अब जाकर और क्या वो फॉलो ऑन बचाने के लिए आप बल्लेबाजी करेंगे या जीत दिलाने के लिए बल्लेबाजी करेंगे अब ये जो बल्लेबाजी इमरान और सहेल। और देखिए अब इमरान और बल्लेबाजी की तैयारी में और 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया, कुछ रन तो उसके बल्ले से नजर आए पर ये जो यहाँ से जो बल्लेबाजी की दरकार है मुझे लग रहा है कि गेर बदल कर ताबड़तोड़ सही दिशा में सही लैंड के साथ विकेट भी बचाने होंगे और रन तो ज़्यादा बने। देखिए यहाँ 22.83 की औसत से रन बनाने हैं टीम को जीत के लिए पर मुझे लग रहा है नामुमकिन है। राजा तनवीर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, राजा तनवीर नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार है, इमरान को वो गेंदबाजी करेंगे, सुहेल नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे, इमरान दाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करेंगे राजा तनवीर का, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप से बाहर, हालांकि गेंद ने टिप्पा खाया मिडिल स्टंप की ओर आई, गेंद और बल्ले का मुलाकात नहीं। इस ओवर की अगली गेंद ड्राइव किया गया, ऑफ ड्राइव के अंदाज में ये लिया गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की ओर गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, रन तो केवल एक मिलेगा इस एक रन की सहायता से, इमरान नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे अब सुहेल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
तनवीर इस ओवर में अब अगली मरतबा और सहेल का इस बार फिर से बल्ला चलाया डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब। और देखिए यहां मुझे लग रहा है स्ट्रोक में ताकत नहीं था क्योंकि कम रफ्तार के साथ गेंद ने अपना सफर तय किया पर इतनी तो दूरी हासिल की थी। एक रन लिया जाए फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फुल टॉस पे लिया सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात उन्होंने दौड़ तो जरूर लगाई थी और गेंद गोली की रफ्तार से लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर चार रनों के लिए। और इस बार फुल टॉस पे लिया वहां पर बल्लेबाज इमरान ने कदमों का इस्तेमाल किया मिडल ऑफ द बैट स्ट्रोक लिया ताकत लगाया इलाका खाली पड़ा था लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी तो चलते बने थे गेंद को फील्ड करने के लिए पर दौड़ना बेकार है। अब जाकर फिलहाल गेंदबाज तनवीर इस ओवर में अगली मरतबा तनवीर की गेंद बिलाल को इस बार बिलाल ने मोर्चा संभाला गेंद दूर उस ओर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए। ताकत इमरान की और बल्ला एंथम का कमाल तो नजर आ ही जाएगा। इस छक्के के साथ यहां जो टीम का स्कोर है 131 और इमरान ने अर्धशतक पूरा किया। और आपने आपने सही कहा आपने क्यों एंथम का बल्ला वो देखिए हमसे हमेशा जो शमशेर जो होती है वो शमशेरबाज को ही इस्तेमाल करने के लिए और दी जाती है और देखिए शमशेर का इस्तेमाल किया वार किया गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात था उन्होंने खाली तमाशा देखा ये देखते हुए कि एंथम के बल्ले से एक करारा स्ट्रोक देखने को मिला। देखिए इस छक्के की मदद से अब जाकर टीम का स्कोर 131 रन 7 विकेट के नुकसान पे। प्रहार तो करना है गेंद के ऊपर भले ही आज टीम जीत से दूर रही है पर अनुष्ठाओं का खेल इस बार फिर से बल्ला चलाया था इस बार अच्छी गेंद देखने को मिली मिडल और लेग स्टंप पर पलटकर ऑफसाइड की ओर गेंद आई हल्का सा अपील देखने को मिला था पर जानगिर जान तास से मस नहीं हुए और नॉट आउट करार दिया अंपायर जानगिर जान ने बल्लेबाज इमरान को क्रीज के अंदर पाया और उसका लाभ मिला बल्लेबाज इमरान को वरना कसर नहीं छोड़ी थी यहां पर विकेट कीपर ने और उसे आउट करने की। 131 सात विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर अभी भी बचे हुए हैं 30 गेंदें बची हुई हैं क्या पूरे 20 ओवर टीम खेल पाएगी। और अगर क्या आपने सही कहा क्या टीम पूरे 20 ओवर खेल पाएगी और ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा अब टीम के लिए क्योंकि ज्यादा ओवर्स का अभी आना नहीं बाकी है और ज्यादा विकेट तो अब नहीं बचे टीम के लिए 15 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है और 5 ओवर्स का अभी भी आना बाकी 125 रन बनाने 30 गेंदों का आना बाकी है और दूर ही नहीं बल्कि दूर से भी दूर रह गई अब जॉन एलेवन मागाम की टीम जीत की खुशबू जो है वो अब कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की टीम अब सूंघ रही है और ऐसे में मुझे नहीं लग रहा कि देखिए यहां अब 20 ओवर्स क्या पूरे खेल पाएगी जॉन्स 11 मागाम की टीम अब उस पे नजरें रहेंगे। फिलहाल गेंदबाज और बशारत इस ओवर में अब पहली मर्तबा गेंद करेंगे चले गेंद की इस बार फिर से लेग स्टंप पर लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी पैड से जाकर टकराई और विकेट कीपर ने प्रयास तो जरूर किया था गेंद को रोकने का पर उसके हाथ से गेंद छिटक कर बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। और सुकेर लेग पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था शॉर्ट सुकेर लेग पर गलव से जैसे ही गेंद लगी गोली की रफ्तार से उन्होंने अपने सफर तय किया दिशा पगड़ी और चौका लगा। और यूनुस भाई इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया वाजिद बिजाड हमारे साथ साथ मैच का आनंद वाजिद भाई इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। इस बार फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी हल्के हाथों से इसे ड्राइव किया था कवर की जानिब दायरे के अंदर गेंद फील्ड होकर आई है गेंदबाज बशारत की ओर किसी रन के लिए नहीं और स्कोर बोर्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं 135 रन टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे 5.2 और 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। और यहां मुझे लग रहा है कि सहेल और इमरान की जोड़ी इमरान ने अपनी अर्धशतक तो मुकम्मल जरूर की है पर दूसरे छोर से कोई ऐसे बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने आज यहां संभल कर बैटिंग की मैदान के अंदर। इब्राहिम हुसैन यूनुस और वाजिद भी मैच का आनंद ले रहे हैं ड्राइव किया गया कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही क्या वो रन के लिए जाएंगे या नहीं और रन आउट करने का एक खतरा होगा और ऐसे में इमरान अब रन लेने वाले नहीं है और केवल एक रन मिलेगा इस बार रन तो नहीं मिला पहले तो रन थी सुहेल निकले नहीं अब जो ओवर थ्रू के रूप में रन बन सकता था और इमरान ने साफ नकारा वापस जाना पड़ा सुहेल को अभी भी ठहरा हुआ स्कोर 135 सात विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है सुहेल गेंदबाजी कर रहे हैं बशारत का सामना करने की तैयारी में है सुहेल बल्ला हवा में झूलता हुआ सुहेल का अब वो सामना करेंगे बशारत की गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी दूर वाइड का इशारा आएगा या नहीं संभवता पर अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया क्योंकि काफी ऑफ स्टंप की ओर चले गए थे और ये बात अंपायर के जहन में तो जरूर होगी 135 सात विकेटों के नुकसान पर और 135 रन
टीम का स्कोर बशारत इस ओवर में अब अगली मरतबा तेज कदमों के साथ चले। गेंद की इस बार फिर से मिडल और लेग स्टंप पर यह गेंद थी, हल्के हाथों से इसे डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड की ओर और स्क्वायर लेग से खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया। तब तक समय था एक रन बनाने का और एक रन तो मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ देखिए ये पारी का 16वां ओवर जा रही है, 5 गेंदें मुकम्मल हुई है। बशारत के इस ओवर की एक अच्छा ओवर गया और लगातार 3 गेंदें डॉट हुई है इस ओवर में बशारत की। बशारत इस ओवर में अब आखिरी मरतबा गेंद करेंगे इमरान के लिए। चले इस बार फिर से लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे और पीछे गए थे और गेंद की लाइन में नहीं आए और गेंद चकमा देती हुई बल्लेबाज को विकेट कीपर के ग्लव्स में और 16 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 16 ओवरों का खेल समाप्त हुआ 136 7 विकेटों के नुकसान पर। आमिर हसन को तलब किया गया और आमिर हसन और इमरान के दरमियान जो मुकाबला होने जा रहा है वो देखने लायक होगा। 4 ओवर बचे हुए हैं, 120 रन चाहिए जीतने के लिए जो दरकार औसत है 30 की। और ये तो मुझे लग रहा है कि अब मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। पहाड़ जैसा लक्ष्य जब मिला था अब मुझे लग रहा है कि इसे कहते हैं कि समंदर से सोवी ढूंढना और ये नामुमकिन है। समंदर से सोवी ढूंढने के लिए और जो बल्लेबाज मैदान के अंदर है मुझे नहीं लग रहा कि वो इस सोवी को ढूंढ पाएंगे क्योंकि ये इनके पास ज़्यादा देखिए अगर इमरान की अगर बात करेंगे तो उन्होंने कुछ बेहतर स्ट्रोक लिए थे पर और जो बल्लेबाज थे बाकी सारे उन्होंने खास कुछ नहीं किया। तुलसीराम मीना मैनेजर क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान जयपुर के वो बने हुए हैं। शबनम मुजफ्फर उमर अजीज भी मैच का आनंद ले रहे हैं जुनेद वानी के साथ, तुलसीराम मीना भी बने हुए हैं। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, गेंद को मोड़ा, गेंद दूर उस दिशा में, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और देखिए उमर एजाज बाकी सारे जो दोस्त आनंद ले रहे इस मुकाबले का और इनके बिना हम भी अधूरे हैं और हमारा मंच भी अधूरा है और इस प्यार के लिए भाई आप सभी का शुक्रिया। विकेट कीपर स्टंप के साथ जुड़े हुए हैं आमिर हसन जो स्लिप कॉर्डन में है, शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर। लेग स्टंप से बाहर पिच होती हुई गेंद अंदर की ओर आई, गेंद को खेला आधा कट आधा पंच, गेंद दूर उस ओर स्वीपर कवर की तरफ जहां अबरार पीर मौजूद, उन्होंने गेंद को फीड किया, रन तो एक मिलेगा। शुरुआत ठीक ठाक रही कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा की अगर मैं गेंदबाजी की जिक्र करूं और मैच के पहले ओवर में ही आमिर हसन ने विकेट हासिल किए। इस बार गेंद को खेला और इश्तियाक रॉबी ने एक शानदार कैच लिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे। वाह क्या तारीफ करनी होगी वहां पर खिलाड़ी इश्तियाक की और क्या गजब का कैच लिया उन्होंने। देखिए होल्ड किया और एक हाथ से उन्होंने कैच लिया, उसके बाद खामोशी साइलेंट हुए, एक जगह पुतला बनाया अपने आप को और इस बात का इशारा किया खिलाड़ियों की ओर और यहां जब भी कोई गेंद आएगी मैं उसे फिर छोड़ने वाला नहीं हूं। पर एक अच्छा कैच लिया वहां पर इश्तियाक ने, तारीफ तो बनती है खिलाड़ी के लिए। देखिए एक गजब का कमाल का कैच लिया तारीफ और इश्तियाक के लिए जिस तरह उन्होंने इस कैच को अपने हाथों में कैद कर लिया। 8वां झटका लगा अब जॉन 11 मागाम की टीम को और यहां तनवीर मुझे लग रहा है कि तनवीर जो डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं और अभी सोहेल अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर और जो बल्लेबाज मेरे ख्याल से आमिर तो मैदान छोड़कर वापस गए अब जाकर और निसार को अब तलब किया गया गेंद बल्लेबाजी करने के लिए और ज्यादा अब विकेट तो अब नहीं बचे टीम के लिए पर मुझे नहीं लग रहा कि पूरे ओवर खेल पाएंगी यहां जॉन 11 मागाम की टीम जिस तरह उनके बल्लेबाज एक के बाद एक मैदान छोड़कर वापस गए और प्रेशर था और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर था उनके ऊपर लक्ष्य का। पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला है, दूसरी पारी में आसान नहीं रहता है लक्ष्य का पीछा करना और ये देखते हुए कि शुरुआती झटके लगे टीम को गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी की। तुलसीराम मीना जो मैनेजर हैं क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान जयपुर के और जिसके एमडी हैं मिस्टर देव खत्री साहब वो बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। काफ़ी कुछ किया क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान जयपुर ने और इस बार गेंद को खेला, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक सहेल के बल्ले से, ऑफ स्टंप की सीध में गेंद थी और ऑन साइड में ये स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। अंथम ने जब जब प्रहार किया गेंद पर तो नतीजा बेहतर नजर आया और ऐसा देखने को मिला सोहेल डार के बल्ले से। सोहेल डार सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। राजा की ये गेंद सोहेल को, इस बार गेंद को ड्राइव किया स्वीपर कवर की ओर गेंद गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, रन तो केवल एक मिलेगा इस एक रन की सहायता से। 147 से बढ़कर 148 टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। 16.5 ओवर की गेंदबाजी, निसार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। इस बार बढ़िया गेंद और सम्मान दिया कप्तान निसार ने, वापस धकेला, गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड हुई डॉट गेंद के साथ। पारी का ये कुल मिलाकर 17वां ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर बचे हुए हैं और टीम का स्कोर 148 8 विकेटों के नुकसान पर। और आपने जो कहा था क्योंकि कहते हैं ना कि तीर से जब कमान निकलती है तो निशाने के बगैर वो नहीं रहती है। मीर जाफर मैच का आनंद ले रहे हैं
क्या वैसा कैच लिया जैसा मलिक इकबाल ने सुपर ओवर में लिया। हालांकि मीर जाफर भाई उस दिन में यहां मौजूद नहीं था, पर आज का जो कैच रहा ये भी लाजवाब था। और एफसीसी डब के खिलाड़ी सज्जाद ने जो कैच लिया था पॉइंट पर, वो अब तक अगर देखा जाए कैच ऑफ द टूर्नामेंट था। और अब देखना होगा, अभी कुछ मैच खेलने बाकी हैं, क्या उस कैच से भी बेहतर कोई कैच देखने को मिलेगा या नहीं। दूर उस छोर से गेंदबाजी करने की तैयारी में बशारत, बशारत सामने है सोहेल, सोहेल सामना करेंगे बशारत का। डगआउट की ओर कुछ इशारा किया गया, अब तैयार हो रहे हैं सोहेल, सोहेल सामना करेंगे बशारत का। निसार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, दाएं हाथ के बल्लेबाज सोहेल सामना करेंगे बशारत का। बशारत की गेंद, सोहेल को कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को धकेला, गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई। इश्तियाक रॉबी मौजूद, रॉबी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की ओर। रन तो मिलेगा एक, सोहेल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। सोहेल का निजी स्कोर 15, 12 गेंदों का सामना किया और टीम के कप्तान निसार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। निसार अब सामना करने की तैयारी में, देखिए आप दिलबर तारिक भी मैच का, मीर यावर के साथ साथ मलिक शाहिद भी मैच का आनंद ले रहे हैं और इस प्यार के लिए भाई आप सभी का शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं। और ऐसे में और आप इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल गेंदबाज बशारत इस ओवर में अब दूसरी मरतबा चले अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार फिर से बल्ला चलाया वहां पर बल्लेबाज निसार ने, दी गेंद दूर उस ओर गई, मिड विकेट सिकंदर लेग से आकर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। और जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके दूसरे प्रयास में गेंद को थ्रो किया तब तक दो रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाज ने। आकिब लोन दिलबर तारिक के साथ साथ मैच का आनंद रहे और ऐसे में टीम का स्कोर 151 रन 8 विकेट के नुकसान पे 17.4 ओवर 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। बशारत इस ओवर में अब तीसरी मर्तबा, अभी तक 3 रन दिए बशारत ने इस ओवर में और तीसरी मर्तबा ओवर द स्टंपस दायात के तेज गेंदबाज, इस बार फिर से लेग स्टंप के काफी बार ये गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर जहांगीर जान की जानिब से। इस एक्स्ट्रा रन के साथ अब जाकर स्कोर बोर्ड में इजाफा और अब टीम का स्कोर 152 रन 8 विकेट के नुकसान पे दो गेंदे अभी तक इस ओवर की मुकम्मल हुई है। इस बार दिशा से बट के गेंदबाज बशारत, बशारत इस ओवर में अब अगली मरतबा, देखिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, काफी लंबा रन आप है गेंदबाज का और ऐसे में वो एक बड़े हौसले के साथ लतीफ और कावा लतीफ मैच का आनंद दे रहे। इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया। और यहाँ जो गेंदबाज बशारत गेंदबाजी कर रहे हैं और एक अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने की आज। फिलहाल बशारत इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार फिर से क्लीन बोल्ड हुए वहां पर बल्लेबाज, इस बार मेडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी और कटकर अंदर की ओर आई, बल्लेबाज के चारों खाने चुत हुए वहां पर और खाली देखते भर रहे। उसे इस बात का भी इल्म नहीं हुआ कि गेंद पड़ने के बाद कहां और आई और किस ओर आई, क्लीन बोल्ड हुए वहां पर बल्लेबाज, मैदान छोड़कर आप वापस जा रहे बल्लेबाज। नवा झटका लगा जॉन 11 मागाम की टीम को। सुहेलदार 15 रन बनाकर 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया, एक छक्का जड़ा एक चौका लगा, पर जो लक्ष्य है उसके सामने टीम दबी हुई नजर आ रही है। 9 झटके लगे हैं, 152 टीम का स्कोर, 152 रन टीम का स्कोर। आखिरी जोड़ी और आखिरी बल्लेबाज का इंतजार हो रहा है। देखिए अब आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर है और क्या 20 ओवर पूरे खेल पाएगी जॉन 11 मागाम की टीम। 17.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल और इसके बाद अगर देखा जाए तो अभी भी 15 गेंदों का आना बाकी है और आखिरी विकेट है। अब वो अब नए बल्लेबाज डगआउट से अब नमूदार हुए हैं, कहते हैं कि और यहाँ मलिक शाहिद और डार आबिद और मसूद जावेद के साथ साथ मैच का आनंद रहे। और इस प्यार के लिए भाई आपका शुक्रिया मलिक भाई और मलिक मेहमान जुबेर के साथ साथ मसूद जावेद भी मैच का। देखिए डगआउट से अब नए बल्लेबाज नमूदार हुए बल्लेबाजी करने के लिए, मलिक शाहिद भी बने हुए हैं और मीर महम जबरिश, मलिक शाहिद इस गई बदल जबकि मीर महम जबरिश और मसूदी जावेद भी मैच का आनंद ले रहे हैं। सीएसके की बड़ी फैन, हालांकि एक कोचिंग सेंटर कुपवारा है और मुझे लगा कहीं ये सीएसके की तो बड़ी फैन नहीं है, रेगुलर व्यूवर जेके स्पोर्ट्स टाइम की। मीर महम जबरिश, मसूदी जावेद और मीर सरवर मैच का आनंद ले रहे हैं। आईपीएल का कारवां रवादवा है, कल जो बड़ी जीत हासिल की थी आरसीबी ने, हालांकि कोई बड़ी जीत तो नहीं थी, केवल 13 रन से जीत हासिल की थी और आज से मैं टीम चिंतित होगी कि टॉप पायदान पे कौन सी टीम रहेगी, प्लेऑफ्स के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। उसके लिए जंग तो हो रही है आईपीएल में, यहाँ जो मुकाबला हो रहा है उस दिशा में गेंद गई, कवर का जो खिलाड़ी है वहाँ गेंद पड़ी हुई है, इमरान वहाँ कवर में मौजूद हैं।
और आज के दो ऑफिशियल मुख्तार और उनका साथ दे रहे हैं जहांगीर जॉन, गेंदबाजी कर रहे हैं बशारत, लॉन्ग ऑफ है, कवर है, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के साथ गली क्षेत्र के आसपास खिलाड़ी है, डीप थर्ड मैन लगाया गया है जहां पे आमिर हसन मौजूद है। मयूर की अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंद दूर उस ओर गई, पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं पर वो गेंद को रोक नहीं सकेंगे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। इरफान के बल्ले से ये चौका लगा और टीम का स्कोर 156 नौ विकेटों के नुकसान पर। यूनस हसन, डार फयाज, शौकत मीर बारामूला से बने हुए हैं 156 नौ विकेटों के नुकसान पर। और मुश्ताक साहब बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, नाइस वीडियो क्वालिटी, क्रेडिट जा रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम के जो प्रमुख हैं उनको। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को पहुंचाया, एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई चार रनों के लिए। डार फयाज, शौकत मीर भी मैच का आनंद ले रहे हैं, 156 से बढ़कर 107 टीम का स्कोर नौ विकेटों के नुकसान पर, 13 गेंदें बची हुई हैं। इरफान चाहेंगे यहाँ पूरे 20 ओवर टीम खेल पाएगी। इरफान बल्ला हवा में झूलता हुआ एंथम का, वो सामना करेंगे वहां गेंदबाज बशारत का। बशारत इस ओवर में अगली बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, फिर से गेंद को दिशा दी, क्या विकेट कीपर रोक पाएंगे या नहीं, और सहेल ने रन लेने से मना किया। पारी का ये 18वां ओवर समाप्त हुआ 107 नौ विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए 96 रन चाहिए, 12 गेंदें बची हुई, और जो जीतने के लिए जो 96 रन चाहिए, और मुझे ऐसे इस बात का तो इल्म होगा टीम के कप्तान को कि और इतनी दूर है हम जीत से कि जितना सफ़र यहाँ से वहाँ तक है। और आप जाकर कहते हैं ना कि क्रिकेट की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रही है यहाँ जो दो बल्लेबाज है सोहेल और इरफान, और अब जाकर खाली 12 गेंदों का आना बाकी, 12 गेंदों में 95 रन दरकार जीत के लिए बनाने हैं। और कहते हैं ना कि कभी कभार क्रिकेट में सुनने को आता है कि दूसरी बैटिंग भी अगर दी जाएगी पर फिर भी यह नामुमकिन है। अब जाकर फिलहाल गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा गेंद करेंगे। मलिक शाहिद भी मैच का आनंद ले रहे हैं ऑफिशियल फरीद के साथ, मीर जाफर और लतीफ काबा भी बने हुए हैं, सुकरलग अंपायर जहांगीर जॉन और राजा तनवीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सोर की पहली गेंद ड्राइव किया गया, गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में एक रन का इजाफा। एक रन की सहायता से सुहेल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे 16 के निजी स्कोर पे, जबकि इरफान ने सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के आने का इंतजार, धकेला गेंद को ऑफसाइड में, रन तो मिलेगा एक। राजा तनवीर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो गेंद की थी उन्हें इस बात का इल्म था बल्लेबाज स्ट्रोक के लिए जाएंगे, और मिस टाइम अगर स्ट्रोक होगा यकीनन अवसर बनेगा बल्लेबाज के लिए, गेंदबाज के लिए, यहां विकेट कीपर के लिए आउट करने का। ऑन साइड में लिया गया स्ट्रोक और सहेल तो रन के लिए नहीं जाएंगे, जानते हैं कि आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर 162 नौ विकेटों के नुकसान पर। मुश्ताक रहते तो फेल भी मैच का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सहेल को फुल टॉस, ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, केवल एक रन मिलेगा। इस एक रन की सहायता से सहेल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंच गए हैं, 163 टीम का स्कोर नौ विकेटों के नुकसान पर। इरफान को अगेन ऑफ स्टंप से दूर बल्ला चलाया इरफान ने, इस एक रन की सहायता से 18.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है 164 नौ विकेटों के नुकसान पर। वसीम इब्न रशीद, तोफेल, उवैस अहमद भी बने हुए हैं जो कि स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर, 164 नौ झटके लगे, फुल टॉस और गेंद को धकेला शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, रन तो मिलेगा एक, जोखिम भरा हो सकता था, वहां इमरान तांत्रे मौजूद, उनसे गेंद पहले प्रयास में फील्ड नहीं हुई। इस एक रन की सहायता से पारी का ये 19वां ओवर समाप्त हुआ 165 टीम का स्कोर नौ विकेटों के नुकसान पर। अभी अब खाली जी 6 गेंदों का आना बाकी। देखिए कहते हैं ना कभी कभार जीत की दहलीज पर, और तब मुझे लग रहा था कि शायद पारी का वो 9वां या 8वां ओवर था, और जब मुझे लगा था कि कोचिंग सेंटर कपवाड़ा की टीम जीत की दहलीज पर नजर आ रही है, एक बड़ा लक्ष्य था, और बड़े लक्ष्य का आपको अगर पीछा करना होता है तो शुरुआत ठीक ठाक मिलनी चाहिए, पर वो शुरुआत ठीक ठाक नहीं मिली। टीम शुरू से लेकर अब तक बैकफुट पर नजर आई, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। 3 खिलाड़ी हैं स्लिप कॉलन में, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद स्टंप के काफी करीब से विकेट कीपर के ग्लव्स में, स्लिप कॉलन में 3 खिलाड़ी हैं, बैकवर्ड पॉइंट का इलाका खाली पड़ा हुआ है, पॉइंट है, कवर है, लॉन्ग ऑफ है,
और टेस्ट क्रिकेट की फील्ड सजाई गई है बल्लेबाज के लिए। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में और स्टंप आउट घोषित किया गया यहां बल्लेबाज को। और सहेल मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं जॉन अलेवन मागाम को यह आखिरी झटका लगा और आमिर हसन उन्होंने कुछ इशारा किया अंपायर की तरफ। अब यहां पारी समाप्त हुई 166 10 के 10 झटके लगे हैं यहां जॉन अलेवन को और जॉन अलेवन मागाम के खिलाफ 89 रन से यहां बड़ी जीत हासिल की कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा ने। कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा के खिलाड़ी एक दायरा बनाया गया खिलाड़ियों के द्वारा और वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर कुपवाड़ा ने एक बड़ी जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तुफेल ऑफिशियल फरीद महेश का आनंद ले रहे हैं। हम आपके साथ जुड़े हुए थे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, आपसे विदा चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल यहां दो क्वार्टर फाइनल होने जा रहे हैं, उनकी लाइव कवरेज लेकर भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे विदा चाहेंगे, खुदा हाफिज़।